ओके तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं एवरीवन। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, दिस वाज ऑलरेडी आस्क्ड फॉर 6 to 8 मार्क्स बाय आईसीआई। दिस वाज आल्सो देयर इन इंस्टीट्यूट्स ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल। पुराने टाइम क्या था, स्टडी मटेरियल होता था, जैसे आपके मटेरियल तो बहुत कम है, मेरे हिसाब से आपका मटेरियल तो बहुत कम है, लेकिन पुराने टाइम बहुत सारे सम्स होते थे स्टडी मटेरियल में, इंस्टीट्यूट का मटेरियल। आपको वो टाइम हो तो करना ही चाहिए, मैं आपको आज शेयर करूंगा लिंक उसकी, लेकिन टाइम है तो पहले अपने जो मटेरियल इंस्टीट्यूट का है उसको खत्म करने का, फिर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए जाने का, लेकिन उसमें आपको बहुत अच्छी वेराइटीज मिलेगी। लेकिन काफ़ी चैप्टर्स में छोटे बड़े चेंज हो गए हैं, वो हमें थोड़ा ध्यान रखने का है। तो चलो सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। ओके फॉर्मूला क्या था, आई होप यू रिमेम्बर, नहीं भी याद है तो चिंता नहीं, यहाँ पे अपने पास फॉर्मूला है। सबसे पहले उसने मिनिमम स्टॉक पूछा है ए का, मिनिमम स्टॉक, तो ए का फॉर्मूला क्या था मिनिमम स्टॉक का, ये रहा रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज लीड टाइम इनटू एवरेज कंजम्पशन। मिनिमम स्टॉक का फॉर्मूला है आरओएल माइनस एवरेज लीड टाइम इनटू एवरेज। ओके तो अगर हम सम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12, उसमें उसने सबसे पहले ऐसा पूछा है मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए, फॉर्मूला था आरओएल माइनस एवरेज लीड टाइम इनटू एवरेज कंजम्पशन। ओके तो मान लो ये सॉल्व आपको पहले एक बार करना है, एक फर्स्ट वन, फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर कैसे आ सकता है। फिर इसमें जब मैक्सिमम स्टॉक का रीऑर्डर का फॉर्मूला आएगा सी में, उसमें हम लोग दोनों फॉर्मूला करेंगे। ओके तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा आप लोग भी करो तो आपको पता चले कि भाई सब में गलती हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर टेलिंग दैट इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, ओके इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट कंपनी यूजेस थ्री रॉ मटेरियल। अपने पास थ्री रॉ मटेरियल है ए बी एंड सी, अपने पास तीन रॉ मटेरियल है ए बी एंड सी, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच फॉलोइंग अप्लाइज। ए बी एंड सी तीन अपने पास रॉ मटेरियल है, यूसेज पर यूनिट एक प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे कितना आई बी यानी पाउंड बोल सकते हैं, या फिर हमें समझने के लिए हम इसको के जी भी समझ सकते हैं। तो एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 10 के जी चाहिए, यहाँ पे 4 के जी चाहिए, यहाँ पे 6 के जी चाहिए। रीऑर्डर क्वांटिटी, सर ये क्या होता है रीऑर्डर क्वांटिटी, वो आर ओ क्यू होता है, जैसे ईओ क्यू होता है वैसे आर ओ क्यू। प्राइस दिया है, लेकिन प्राइस जनरली स्टॉक कैलकुलेशन के लिए इररिलेवेंट है। ओके तो कोई फर्क नहीं पड़ता। डिलीवरी पीरियड का मतलब होता है लीड टाइम, मिनिमम है मैक्सिमम है एवरेज कर सकते हैं अपने। ऑर्डर लेवल, सर ये क्या होता है ऑर्डर लेवल, तो ये होता है री ऑर्डर लेवल और मिनिमम लेवल दिया हुआ है। ओके तो नीचे उसने क्या बोला है, वीकली प्रोडक्शन इज वेराइजिंग फ्रॉम 175 टू 225 एवरेजिंग 200, व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट द क्वांटिटीज ऑफ द फॉलोइंग। आप क्या चाहते हो कि क्या क्वांटिटी फॉलोइंग में आनी चाहिए। तो मान लो ये क्वेश्चन है, मिनिमम स्टॉक आपको ए का पूछा है, यानी आपको ए का डेटा लेना है, और मिनिमम स्टॉक का फॉर्मूला ये है, ओके एवरेज आर ओ एल माइनस एवरेज लीड टाइम टू एवरेज कंजम्पशन। तो चलो अगर मुझे फर्स्ट का आंसर चाहिए आप में से ए के लिए, तो क्या आंसर आता है ट्राई करके बताओ, फिर अपने चेक करते हैं कैसी गलतियां हो सकती है या नहीं हो सकती। चलो आया वन आंसर, जिगर का आंसर है अपने पास 4000, अक्षय का आंसर है 7600, शिफा का आंसर है 7600, इशिता का है 7600, रुआ का 7600। ओके मोस्टली 7600 आ रहा है, खुशी धैर्य अक्षा। चलो चेक करते हैं कैसे आए।
ध्यान से देखो, ये चैप्टर का क्रक्स है। मटेरियल चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं? रॉ मटेरियल परचेस करने की प्राइस ढूंढनी है। अब ध्यान से देखो, ROL क्या है? उसने दिया हुआ है 8000, तो वो हमने लिखा 8000 माइनस एवरेज लीड टाइम क्या है? ठीक है सर, 1 और 3, 1 इज मिनिमम, 3 इज मैक्सिमम, एवरेज करने जाएंगे तो 2, तो 2 मल्टीप्लाई विद एवरेज कंजम्पशन क्या है? एवरेज कंजम्पशन आपने क्या गिना? ये दिया है 200, तो क्या आ जाएगा 200, तो क्या होगा आंसर? 8000 माइनस 400 यानी 760, जो मेजोरिटी का आंसर आया है। इज इट ओके? करेक्ट, ये रॉन्ग आंसर है, बराबर। अब सुनो, रॉन्ग राइट की चिंता मत करो, क्यों ऐसी गलती हुई और क्यों ऐसा एग्जाम में नहीं होना चाहिए। इफ यू रिमेम्बर, मैंने जब आपको फॉर्मूला सिखाया था ना, तब ऐसा बोला था एवरेज कंजम्पशन यानी क्या होता है पता है? यूनिट्स मल्टीप्लाई विद यूसेज। इफ यू रिमेम्बर, अगर आपने लिखा भी होगा तो फॉर्मूला में, मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा था। और लॉजिक क्या है उसका? यहाँ पे हमें समझना क्या है पता है, कि हम पूरा चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। मटेरियल चैप्टर वी आर स्टडिंग ओनली विद इंटेंशन टू अंडरस्टैंड कि भाई व्हाट इज अवर रॉ मटेरियल कॉस्ट या रॉ मटेरियल स्टेटस। इसके लिए है पूरा चैप्टर, फाइनल प्रोडक्ट के लिए नहीं। इसका मतलब आपको क्या समझना है पता है, कि हम जो प्रोडक्ट कंपनी इज यूजिंग, ऊपर देखो, कंपनी इज यूजिंग 3 रॉ मटेरियल ए बी सी इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग, यानी 3 तो रॉ मटेरियल है यानी ए बी और सी, 10 किलो, 4 किलो और 6 किलो। इसका मतलब आप समझो, एक हमारा प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट का नाम है से फॉर एग्जाम्पल पॉकेट पाउडर अज्यूम, ओके, ये 20 किलो का है, ये पैकेट 20 किलो का है, उसमें 10 किलो जो है वो ए है, 6 किलो जो है वो बी है और 4 किलो जो है वो सी है, रॉ मटेरियल। अब देखो फिर से 10, 4 और 6, ठीक है, उल्टा सीधा लिख दिया, कोई चिंता नहीं। हमारा इंटेंशन क्या है? अपना फाइनल प्रोडक्ट जो है ना, ये एक पैकेट जो है ना वो 20 किलो का है, ओके, यानी अब फाइनल प्रोडक्ट शांति से देखोगे तो नीचे लिखा है प्रोडक्शन वेराइज। प्रोडक्शन का मतलब क्या है? हमारा प्रोडक्शन करने का प्लान अलग है, हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एक प्रोडक्ट, उसमें हम 3 रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, यानी हमारा प्रोडक्शन कितना होगा वीकली? तो क्या 200 यूनिट्स, ये यूनिट्स है, ये केजी है, ओके, यानी अगर मैं आपको बोलता हूं कि 200 बैग चाहिए मुझे, ऐसी 200, ये एक नहीं, ऐसी मुझे 200 बैग चाहिए, तो एक बैग के लिए अगर 20 केजी चाहिए तो 200 बैग के लिए मुझे 4000 केजी रॉ मटेरियल चाहिए। समझ में आ रहा है? ये तो उसका बेसिक फ्लो है। यानी क्या होगा ये चीज गलत? रीऑर्डर लेवल क्या है? ध्यान से देखो, रीऑर्डर लेवल जो था ना वो भी आईबी में था, ये भी आईबी में था, आईबी यानी मैंने आपको क्या बोला केजी, ये भी केजी में है, यानी ये हो जाएगा 8000 केजी माइनस हो जाएगा एवरेज लीड टाइम इज 2 इंटू एवरेज कंजम्पशन क्या है? देखो भाई 200 यूनिट्स मल्टीप्लाई विथ 10 केजी यानी 8000 केजी माइनस 4000 केजी, यार फाइनल आंसर इज 4000 मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए, दिस इज वन आंसर, ओके, एंड वेरी इंटरेस्टिंग। और ध्यान नहीं रखोगे तो गड़बड़ होने के बहुत चांसेस है, ओके। ये स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो ले लो, आंसर मैंने कल ग्रुप में शेयर किया था, ये भी मैं शेयर करूंगा ही, लेकिन फिर भी हमें पता चलना चाहिए हम किस तरह से सम कर रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर। सी, गलती होती है, चिंता मत करो, गलती क्लास में ही होनी चाहिए, गलती डिस्कशन के वक्त ही होनी चाहिए, एग्जाम में नहीं होनी चाहिए, ओके। तो देर इज नो स्कोप ऑफ मेकिंग सिली मिस्टेक। अगर मैं सब करता जाऊंगा ना तो आपको बहुत ईजी लगने वाला है कॉस्टिंग। यहां तक ठीक है, ओके। अब सेकेंड क्वेश्चन में जाते हैं, वो भी आपको ही करना है, लेकिन आई विल कंसिडर कि अभी सेकेंड में किसी की गलती नहीं होगी। सेकेंड क्या पूछा है उन्हें? मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी, यानी बी की बात है, बी में 4 केजी चाहिए पर यूनिट, 5000 रीऑर्डर लेवल, प्राइस इरिलेवेंट है अभी हमारे लिए,
डिलीवरी पीरियड, रीऑर्डर लेवल। तो अभी वापस फर्स्ट क्वेश्चन आएगा कि सर मैक्सिमम स्टॉक का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ बी का फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला अगर आपने कल लर्न कर लिए होते तो इजी होता, नहीं किया है तो देख लो। मैक्सिमम स्टॉक लेवल में आर ओ एल, ई ओ क्यू या आर ओ क्यू जो भी है, इसमें आर ओ क्यू है, माइनस मिनिमम लीड टाइम इंटू मिनिमम कंजम्पशन। तो इन दिस केस इट इज आर ओ एल, देन इट इज आर ओ क्यू माइनस मिनिमम लीड टाइम इंटू मिनिमम कंजम्पशन, कंजम्पशन है ओके। अब ध्यान रखना थोड़ा कंजम्पशन का। तो चलो बी का आंसर क्या लगता है आपको, चलो एवरीवन गलती ना हो ध्यान रखो, एवरीवन ट्राई। चलो धैर्य का आंसर आया है 7650, राज का आया है 7650, जिगर जिगर का आया है 7650, खुशी, पवन, अक्षा, समी 7650, 7650, ओम, वेरी गुड, अक्षय का है 7650। चलो वेरी गुड, बाकी सब लोग क्या कर रहे हो, बारे में ट्राई नहीं कर रहे सब। चलो कैसे आएगा राइट आंसर देख लेते हैं। अपने पास क्या है फॉर्मूला में, आर ओ एल, आर ओ एल क्या था, ये रहा आर ओ एल 4750। तो सबसे पहले 4750, आर ओ क्यू क्या है, तो आर ओ क्यू ये रहा 5000, तो आर ओ क्यू इज 5000। माइनस मिनिमम लीड टाइम क्या है, तो कभी 3 और 5 के बीच में 4, तो मिनिमम लीड टाइम इज 4, मल्टीप्लाई विथ मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है, तो भाई कंजम्पशन इज, मैक्सिमम कंजम्पशन इज 225, मैक्सिमम है क्या मिनिमम, मिनिमम था, ध्यान से देखा आपने, मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन कितना है 175, लेकिन ये तो यूनिट्स है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 175 के साथ 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा केजी कंजम्पशन के लिए, तो 175 टू 4 केजी, इज इट ओके। तो यहां पे क्या हो जाएगा 9750 माइनस 175 इंटू 4 टू 4 2800 माइनस होगा एंड योर फाइनल आंसर विल बी, मैथमेटिकल वीक देखना पड़ेगा एक बार, गलती की मिनिमम है, सॉरी थ्री वीक गलत है, 3 वीक्स आएगा 175 इंटू 4 इंटू 3 2100 माइनस होगा 7650 इज करेक्ट आंसर, इज इट ओके, 7650 इज करेक्ट आंसर एवरीवन ओके। एट का ध्यान था, पुष्टि ने भी बोला है 3 वीक्स है, बराबर है, 4 गलती से लिख दिया था, वेरी गुड। तो आई होप इट इज रेक्टिफाइड, जिन जिन की गलती हुई है वो देख लो कहीं पे, मिनिमम लीड टाइम 3 आएगा, मिनिमम कंजम्पशन 175 आएगा इंटू 4 के जी ओके। थर्ड पार्ट, थर्ड में क्या पूछा है, रीऑर्डर लेवल ऑफ सी। अभी देखो रीऑर्डर के अपने पास 2 फॉर्मूला है, यहां पे मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि दोनों करो, दोनों फॉर्मूला करना है आपको ओके। तो सबसे पहले रीऑर्डर फॉर्मूला, रीऑर्डर लेवल के लिए 2 फॉर्मूला है ऑफ कौन से प्रोडक्ट का करने का, सी का, रीऑर्डर लेवल ऑफ प्रोडक्ट सी। उसमें पहला फॉर्मूला था बहुत ही सिंपल, मैक्सिमम लीड टाइम इनटू मैक्सिमम कंजम्पशन, जो जनरली फेयर नहीं होता लेकिन हम कैलकुलेट करेंगे। तो मैक्सिमम लीड टाइम सी में कितना है 4, मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है 225,
और 225 इंटू 6, तो मैक्सिमम लीड टाइम क्या था, 4, 6 एंड 225, 4 वीक, 6 केजी इंटू 225, इज इट ओके? तो क्या आएगा आंसर, 4 इंटू 6 इंटू 225, 5400 पहले का आंसर आएगा, इज इट ओके? तो पहला आंसर राइट है 5400। रीऑर्डर लेवल ऑफ प्रोडक्ट सी का दूसरा फॉर्मूला क्या है, याद है आपको कि भाई मैक्सिमम हम नहीं कैलकुलेट करते, हम क्या करते हैं, एक सेफ्टी स्टॉक लेते हैं और फिर एवरेज लीड टाइम इनटू एवरेज कंजम्पशन ले लेते हैं। सेफ्टी स्टॉक यानी बफर स्टॉक, तो अपने पास बफर स्टॉक क्या था, सी का ये रहा, सेफ्टी स्टॉक यानी मिनिमम स्टॉक 2000, तो 2000 आ गया। एवरेज लीड टाइम क्या था, एवरेज लेना है 2 और 4 का एवरेज 3, यहाँ पे 200 इंटू 6, इज इट ओके? 3 वीक्स, 200 इंटू कितने केजी था, 6 kg, so it is 2000 plus 200 into 6 into 3, 3600, 5600, two answers are there and dear friends, both answers are different, दोनों आंसर है और दोनों आंसर अलग है, ध्यान से देखो। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था दो आंसर अलग होंगे, चिंता नहीं करने, ओके? तो राज के आंसर दोनों आ गए, सीफा के आंसर आ गए दोनों, खुशी के आंसर आ गए, वेरी गुड, यहां तक ठीक है। मैं आपको क्रॉस वेरीफाई कराऊंगा, ये इंस्टीट्यूट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन पहले आप खुद तो कर लेते हैं, फिर सब सीधा आंसर देखेंगे तो अपने को सब इजी लगता है, ओके? अभी फोर्थ में भी मोस्टली देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी के दो आंसर आए। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एवरेज स्टॉक किसका, ए का। तो एवरेज स्टॉक के भी आपको पता होगा दो फॉर्मूला थे, एवरेज स्टॉक ऑफ ए, एक फॉर्मूला तो कौन सा था, फर्स्ट वन। एवरेज स्टॉक का मतलब क्या होता था कि भाई मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए, दोनों एक आई एंड डिवाइड बाय टू, इज इट ओके? तो मैक्सिमम स्टॉक ऊपर हमने ए का कुछ ढूंढा तो था, ए के बारे में हमने क्या ढूंढा था, मिनिमम स्टॉक ढूंढा था ए का 4000, ओके? तो मिनिमम स्टॉक अपने पास 4000 है, लेकिन सुनो मैक्सिमम स्टॉक नहीं है, मैक्सिमम स्टॉक ऑफ ए नहीं है, तो मैक्सिमम स्टॉक ऑफ ए नहीं है तो हमें ढूंढना पड़ेगा वापस मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए। क्या फॉर्मूला था मैक्सिमम स्टॉक का, यहां पे ऊपर किया था हमने, आर ओ एल प्लस आर ओ क्यू माइनस मिनिमम लीड टाइम इंटू मिनिमम कंजम्पशन, आर ओ एल प्लस आर ओ क्यू माइनस मिनिमम लीड टाइम इंटू मिनिमम कंजम्पशन, ओके? तो आर ओ एल ए का कितना था, ध्यान से देखो, आर ओ एल 8000, आर ओ क्यू 10000, मिनिमम लीड टाइम 1 एंड के जी इज 10। चलो बोलो मैं कुछ गलती नहीं कर रहा हूं, दिखाना आप, आर ओ एल क्या था ए का 10000, आर ओ क्यू क्या था 8 और 10 लिख देते हैं पहले, 8000
माइनस मिनिमम लीड टाइम कितना था ए का 1 और मिनिमम कंजम्पशन 175, इट इज 1 × 175 × 10, तो इट इज 18,000 − 1750। तो मेरा मैक्सिमम स्टॉक जो आएगा ए का दैट इज 16250 और ये मेरा यहां पे आ जाएगा आंसर 16250 प्लस 4000 डिवाइड बाय 2 10,125 इज एवरेज स्टॉक। काफी बच्चों का आ गया था, धैर्य का आंसर आ गया है, इशिका का 16,250 बराबर है लेकिन वो मैक्सिमम स्टॉक है इशिका, हमें एवरेज ढूंढना है। सीफा का करेक्ट है, खुशी वाकानी का करेक्ट है, रिजवान का करेक्ट है, वेरी गुड। अब सुनो, लेकिन ये एक ही फॉर्मूला हुआ, दूसरा फॉर्मूला भी था, याद है दूसरा फॉर्मूला क्या था एवरेज स्टॉक का? ये पहले तो मिनिमम स्टॉक प्लस हाफ ऑफ आर ओ क्यू, सिंपल। तो मिनिमम स्टॉक आपके पास था 4000 एंड हाफ ऑफ आर ओ क्यू, आर ओ क्यू कितना था अपना 10,000, तो उसका हाफ कर देंगे तो 9000, तो यू गेट 2 आंसर। अब क्वेश्चन ऐसा होता है कि सर दोनों में से कौन सा राइट, तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ राइट वाइट कुछ नहीं होता डियर फ्रेंड्स, आपको दोनों ही करने। ओके, अब ये मैं पूरा क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, मैं आपकी इस लेटेस्ट वाली मॉड्यूल में ढूंढ रहा था बट कोइंसिडेंटली मुझे मिला नहीं, नई मॉड्यूल में नहीं है, मिल गया, चलो खुश हो जाओ। एक्सरसाइज में आप लिख लेना, फिर एक्सरसाइज का सम हो गया, रिपीट ना हो, ये सम अपने अपनी मटेरियल में से कर लिया है, अपना मटेरियल का ये सम नंबर था 12, ओके, और मॉड्यूल में आपका एक्सरसाइज में 4। अब ध्यान से देखो थोड़ा, आपको मिलेगा वो 10 kg, देखो यहाँ पे उसने kg किया हुआ है, जो मैंने आई बी था ना फॉरेन में, वो आई बी था, वो kg है, वही सम है। आप देखो ध्यान से, दिस इज ओल्ड सम, क्वेश्चन नंबर 4, देखो वही चीज, मैक्सिमम स्टॉक मिनिमम स्टॉक, और आंसर देखो अब उसका, आंसर हमने सॉल्व कर लिया क्योंकि आंसर देखने से तो इजी लगता है हर बार, कि दिस इज 4th। अब अपने आंसर के साथ कंपेयर करते हैं, ओके, जैसे ये अपना आंसर था तो सबसे पहले 7600 आया था, लेकिन फिर क्या आया था पता है ना, 4000, तो ये अपना पहला आंसर आ गया 4000, फिर मैक्सिमम का एक आंसर आया था 7650, तो अपना 7650, फिर ROL में अपने पास दो आंसर थे, आई होप यू रिमेम्बर, तो मैंने आपको बोला दो होगा चिंता मत करो, देखो ये 5400 और 5600, तो आई होप यू रिमेम्बर अपने दोनों आंसर थे 5400 और 5600, ओके, और तीसरे में भी अपने पास, चौथे में भी अपने पास दो आंसर थे 10125 एंड 9000, तो चौथे की बात करेंगे तो एक 9000 था और फिर दूसरा पूरा वर्किंग करने के बाद ये 10, ये मैक्सिमम और ये अपना आंसर 10120, होल्ड करना भूल गए, आई होप यू आर गेटिंग इट। अभी देखो इसमें राइट रॉन्ग कुछ नहीं होता, समझ में आया मेरे कहने का मतलब क्या था, अगर एग्जाम में आपको पूछते हैं दोनों करके आने का क्या डिफिकल्ट है, और शॉर्ट सम के लिए क्या होता, कई बार एक फॉर्मूला काम ही नहीं लगेगा, दूसरे फॉर्मूला से ही सम होने वाला है, ओके, सो देयर माइट बी ट्रिकी सम, ऐसा थोड़ा घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, तो हमें थोड़ा ध्यान रखने का, लेकिन क्या एक बार आप गलती करोगे ना तो याद रहेगा, जैसे पहले क्वेश्चन में क्या किया, आप सिर्फ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मत करो, अपना चैप्टर का नाम मटेरियल है यानी रॉ मटेरियल, फिनिश प्रोडक्ट नहीं, ओके, यानी कंजम्पशन के साथ हमेशा यूनिट्स इनटू यूसेज होगा। चलो किसी को डाउट है तो पूछो या फिर लिखो नो डाउट्स और हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ पूरा क्वेश्चन, कंफ्यूजन हो रहा है तो, क्वेश्चन नंबर 13 जो है, ओके, व्हाट वाज क्वेश्चन नंबर 13, 24,000 bearing सेटअप कॉस्ट दिया है 324, इन्वेंटरी होल्डिंग कॉस्ट पर मंथ दिया था, ईओक्यू की जगह इनडायरेक्टली मैन्युफैक्चर पूछा है, और अगर 6000 यूनिट बनाएंगे तो क्या,
तो क्या होगा, ए इज 24,000, कैरिंग कॉस्ट पर एनम लेके आना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया है, पहले ईओ क्यू ढूंढो दैट इज 3600, और फिर उन्होंने कंपेरिजन पूछा है कि अगर ईओ क्यू की जगह 6000 में जाते तो क्या होता, कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट होती। तो हमने कैलकुलेट किया पूरा, 3600 पे कॉस्ट 4320 होती और 6000 वाले में कॉस्ट 4896 होती, तो क्यूमुलेटिवली हमारा डिफरेंशियल जो आएगा दैट इज 576। ओके, राइट डाउन ये फर्स्ट पार्ट लिखो, फिर मैं स्क्रीन ऊपर करता हूँ। दस बारह बच्चे तो भी मुझे ऐसा लगता है दिख नहीं रहा, लाइव लेक्चर में थोड़ा लोड रहता है, लेकिन पढ़ लो। अगर आप लोग ऐसा कोई आइडिया करते हो कि ये जब रिकॉर्ड हो ही जाएगा ना, मैं मेरे ईज से पढ़ लूंगा, फिर मैं मेरी मर्जी से वीडियो देख चल देखूंगा। लेजीनेस एक ऐसी चीज होती है ना डियर स्टूडेंट्स, वो बहुत डिफिकल्ट होती है अपने में से निकालना। और जिसको ऐसी आदत हुई ना कि मेरे 10 घंटे के लेक्चर में देख लूंगा ऐप में, वो 10 के 20 होंगे, 20 के 30 होंगे, 30 के 40 होंगे। एंड रिमेंबर, यू कैन नॉट आस्क डाउट्स फ्रॉम वीडियो लेक्चर। देखो, कोई कोई सर बता देंगे, लेकिन सब सर नहीं बताएंगे, वो आपको ऐसे ही बोलेंगे कि लाइव लेक्चर में डाउट पूछने चाहिए ना, अब क्यों नहीं थे लाइव लेक्चर में। एंड बिलीव मी, ये लॉकडाउन जब खुलेगा ना, तो सबके सब सर इतने पैक हो जाएंगे ना, जो आपके बियॉन्ड इमेजिनेशन लेवल पे जाएगा, सच बता रहा हूँ। आप सोचो, अभी सीए फाउंडेशन का सीजन है, पता है समर में आप लोग पढ़ते थे, तो अभी सीए फाउंडेशन की नई बैच सब ऑनलाइन चल रही है। ओके, तो वो जब लॉकडाउन खुलेगा तो प्रायोरिटी तो उनको मिलेगी, आपको तो मिलने ही वाली है, दैट इज डिफरेंट थिंग। यू तो कॉमन फैकल्टीज हमारी बहुत कम है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होगा कि आप लोग जब फ्री हो जाओ तब आप पूछोगे और सब सर फ्री होंगे। बेटर अटेंड लाइव लेक्चर मैक्सिमम। सोते सोते भी बहुत सारे बच्चे देख ही रहे होंगे ना अभी तो, बराबर, और आधे तो सो भी गए होंगे एक बार मीटिंग ज्वाइन करने के बाद। पिछली बार मैंने वीडियो ले ऑन कराया था तो 8-9 बच्चों के ही वीडियो थे, बाकी सब तो गायब हो गए थे। कौन कौन नहीं है, आप लोग कॉपी करते हो तो। पार्थ नहीं दिख रहा है, पार्थ जैन। मनोज होता है ना उसके साथ, ये दो बच्चे नहीं दिख रहे। तो जान अभी दिख नहीं रहे, फिर नाम याद नहीं आ रहे, फिर देख लूंगा। चलो डियर स्टूडेंट्स, हो जाए तो बताओ, इज इट डन, और डाउट है कुछ तो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ने का। Is it okay? चलो आगे बढ़ते हैं, किसी को डाउट है तो बोलो। अभी एक क्वेश्चन के अंदर लास्ट में थियोरिटिकल था, व्हाट इज मिनिमम इन्वेंटरी कॉस्ट। इन्वेंटरी कॉस्ट यानी क्या होता है आपको पता है? व्हाट इज मिनिमम इन्वेंटरी होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट यानी कैरिंग कॉस्ट। तो यही पार्ट ऑफ आंसर आएगा, इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट ये है। So you can put a note, a minimum inventory
कैरिंग कॉस्ट इज नथिंग बट ईओ क्यू अपॉन टू इंटू सी. That is 600 2 into 1.2. That is 2160. सब पार्ट है आंसर का. इसकी जरूरत नहीं थी, ये मैं आपको सिर्फ पुरानी चीज रिकॉल करवा रहा था अगर भूल गए थे. Is it okay? चलो आगे बढ़ते हैं. कुछ है डाउट तो पूछो, वरना वी आर मूविंग अहेड. सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14. उसमें थोड़ा सा एक एडिशनल पॉइंट है. ओके, एक आध स्पेलिंग मिस्टेक भी थी पहले, अभी पता नहीं है रेक्टिफाई किया था कि नहीं. एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 14 सेज प्रीति पंप एंड कंपनी यूज 75,000 पंप्स पर ईयर. पूरे साल का इन्वेंटरी दिया ए एंड यूसेज इज फेयरली कांस्टेंट 6250 पंप पर मंथ दे दिया. यानी चेक करना है फेयरली कांस्टेंट, यानी उसको कुछ कहना होगा कि 75,000 डिवाइड बाई 12 करते हैं तो हाँ 6250 आ गया. पंप का कॉस्ट दिया है. नाउ दिस इज गुड थिंग, कॉस्ट पर यूनिट अवेलेबल है. जनरली नहीं होता लेकिन यहाँ पे अवेलेबल है. व्हेन बॉट इन क्वांटिटीज एंड कैरिंग कॉस्ट इज 20% ऑफ एवरेज इन्वेंटरी ऑन एनुअल बेसिस. नाउ इफ यू रिमेंबर द हिस्ट्री, तो मैंने बोला था इन्वेंटरी कॉस्ट अगर परसेंटेज देते हैं तो आपको क्या करना है, सीपीयू का परसेंटेज लेना है. तो यहाँ पे क्या होगा, इफ यू डू क्वेश्चन नंबर 14, एनुअल रिक्वायरमेंट इज 75,000, सीपीयू उसने दे दिया, सीपीयू यानी कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट उसने दे दिया है 1.5. ओके, तो कैरिंग कॉस्ट के लिए डिफॉल्ट रूल क्या था, कुछ नहीं बोलते हैं तो जो सीपीयू है उसके परसेंटेज, ये डिफॉल्ट रूल है, बेसिक्स में लिखा था हमने. तो यहां पे क्या आएगा, कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू सीपीयू इज 1.5 इंटू 20%, तो कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 30 पैसा. ओके, तो ये एक चीज हो गई. उसके बाद वो लोग बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस करने का और डिलीवरी करने का 18. तो ये भी अपने पास क्लियर हो गया कि ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 18 रुपीज पर ऑर्डर. तो सीसी हो गया, ओसी हो गया और ए हो गया. ये कोर प्रोडक्ट हमने इनडायरेक्टली क्वेश्चन में से निकाल लिया. अब क्या होगा, अब कुछ नया है, दिस इज न्यू फॉर विच वी आर डूइंग सम. बाकी बेसिक चीज तो हमें पता ही है. इट टेक्स 45 डेज टू रिसीव डिलीवरी फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर. यानी हम जब ऑर्डर देते हैं तो 45 डेज में गुड्स आते हैं और सेफ्टी स्टॉक 3200 है. यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन में, मेरे पास क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में मेरे पास है सेफ्टी स्टॉक, बफर स्टॉक, मिनिमम स्टॉक इज वन एंड सेम थिंग इज 3200. और दूसरा उसने लीड टाइम दिया है. अब देखो लीड टाइम जो है वो 45 डेज दिया है. अब एक क्वेश्चन आएगा सबके दिमाग में, सर लेकिन लीड टाइम तो कौन सा होता है, मिनिमम भी होता है, मैक्सिमम भी होता है, एवरेज भी होता है. लेकिन आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, इट टेक्स 45 डेज टू रिसीव द डिलीवरी ऑफ एन ऑर्डर. चलो आप लोगों को मैं पूछता हूं, आपका फेयर अजम्पशन क्या होना चाहिए. कुछ नहीं बोला है तो 45 डेज क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए कि एवरेज होना चाहिए. व्हाट इज फेयर अजम्पशन, फेयर रीजनेबल. ओके, दो सब मिक्स आंसर आ रहे हैं, मिनिमम किसी का, मैक्सिमम किसी का, एवरेज. हेलो, सबसे ज्यादा आंसर एवरेज आया है तो हम लोग उसको, अजम्पशन इज ऑलवेज एवरेज, फेयर अजम्पशन इज एवरेज लीड टाइम. सर क्यों, क्योंकि कभी भी है ना अजम्पशन एक्सट्रीम पॉइंट पे नहीं होता डियर फ्रेंड्स,
एक्सट्रीम पॉइंट पे नहीं होता, कभी भी नहीं होता। आपका कितना भी अच्छा पेपर जाए, मैं आपको पूछूं कितने मार्क्स आएंगे एग्जाम में लगता है, तो आप ऐसा बोल सकते हो सर 100 में से 100 तो आने ही चाहिए। तो दैट इज एक्सट्रीम अजम्पशन। एक्सट्रीम अजम्पशन नहीं करना चाहिए हमें, मिनिमम अजम्पशन करना चाहिए। सॉरी, मिनिमम भी क्यों करें, इतना कम सोचने की क्या जरूरत है, हमें एवरेज अजम्पशन देखना चाहिए। तो कभी भी क्वेश्चन में पूछते हैं तो आपको फेयर अजम्पशन ही करना है, दैट इज एवरेज अजम्पशन। इज इट ओके? यहां तक ठीक है? अब ये चीज हो गई, अभी हम सम कैलकुलेट करते हैं। सम के अंदर क्या पूछा है उन्होंने, सबसे पहले ईओक्यू एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर, कितने ऑर्डर देंगे। सबसे पहले ईओक्यू, ईओक्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2AO अपॉन सी। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 75,000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 18, कैरिंग कॉस्ट इज 0.30 पैसा, तो यू गेट आंसर। आ गया फर्स्ट आंसर। उसके साथ उसने ऐसा भी पूछा है कि भाई व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर। अब ध्यान से देखो, ये सब एडिशनल चीज है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे लॉजिकल, आपको एनुअल कितनी डिमांड है, एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, डिवाइड बाय हम ऑर्डर कितने का करेंगे। आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट है 75,000, आपको 75,000 चेयर चाहिए और आप 33,000 चेयर का ऑर्डर देंगे, तो आपको पूरे साल में कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे, 25 ऑर्डर्स। अब ध्यान से देखो, उसने ऑर्डर्स भी नहीं पूछा था, उसने ऐसा पूछा था व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर। आप बस स्टैंड में बैठते हो तो क्या पूछते हो कि भाई बस की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो हर आधे घंटे पे आएगी। ओके, तो ये 25 जो है वो ऑर्डर है, उसने ऑर्डर नहीं पूछा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर पूछा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ये 25 ऑर्डर तो देंगे लेकिन कब देंगे। तो वी अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर डिवाइड बाई 25 ऑर्डर्स। ओके, 365 भी ले सकते हैं, 360 डेज लेते हैं, 360 डिवाइड बाई 25 करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 14.4, अप्रोक्सीमेटली 14 डेज पे हम ऑर्डर देंगे। ओके, दैट इज एवरी 14th डे ऑर्डर विल बी प्लेस्ड, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी यानी हर 14 दिन, हर 15 दिन पे हम एक ऑर्डर दे देंगे। आप 15 लिखते हो तो भी फाइन है, यहाँ पे मैथमेटिकल रूल अप्लाई किया है, 14.4 5 से कम है। तो ये 365 लेते तो थोड़ा सा डिफरेंस होता, बहुत खास नहीं होता। आप देखोगे 365 डिवाइड बाई 25 इज 14.6, दैट विल बी 15 डेज, नथिंग। ओके, तो एक ये चीज दी है, यहाँ तक ठीक है? तो ये इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी हो गया और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर हो गया। उसके बाद उसने पूछा है ऑर्डर पॉइंट। ऑर्डर पॉइंट यानी री ऑर्डर पॉइंट, सेंटेंस फॉर्मेशन देखो, ऑर्डर पॉइंट यानी री ऑर्डर पॉइंट। तो सेकेंड पॉइंट इज री ऑर्डर पॉइंट, री ऑर्डर लेवल। री ऑर्डर लेवल के फॉर्मूला क्या था, मैक्सिमम लीड टाइम इंटू मैक्सिमम कंजम्पशन, याद है आपको? लेकिन ये फॉर्मूला अभी पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम का कोई डेटा है नहीं। ओके, 365 डेज भी ले सकते हैं, मैंने ऊपर बोल दिया 365 डेज इन अ वन ईयर ले सकते हो, आप 360 लोगे तो भी चलेगा। तो ये फॉर्मूला नहीं चल रहा है, तो मुझे रीऑर्डर लेवल का दूसरा फॉर्मूला भी आना चाहिए। एक था मेरा सेफ्टी स्टॉक, प्लस क्या था मेरा एवरेज लीड टाइम इंटू क्या था मेरा एवरेज कंजम्पशन, याद है आपको? इसीलिए मैंने बोला आपको फॉर्मूला सब याद रहना चाहिए। तो सेफ्टी स्टॉक क्या था क्वेश्चन में, इफ यू रिमेंबर, सेफ्टी स्टॉक वॉज 3200, एवरेज लीड टाइम इज 45 डेज। ये 3200 एवरेज लीड टाइम इज 45 डेज। अब क्वेश्चन आएगा सर एवरेज कंजम्पशन कहाँ दिया है। आप ध्यान से देखो, एवरेज कंजम्पशन नहीं दिया है, लेकिन हम ढूंढ तो सकते हैं ना, रोज कितने आइसक्रीम जाते हैं, कैसा पता चलेगा सर रोज कितने आइसक्रीम जाते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, क्वेश्चन देखो, 75,000 पूरे साल में जाते थे, मंथली कितने जाते थे, 3625 पम्प। तो मेरा जो मंथली था सेल वो था 3625
25 पम्प डिवाइड बाय 30 डेज, ये पूरे मंथ में जाते थे। ओके, यानी पर डे कंजम्पशन क्या था मेरा, डेसिमल में आएगा थोड़ा सा, पर फिर से देख लेता हूँ, 36250 है ना, सॉरी 6250 पम्प जा रहे हैं डिवाइड बाय 30 डेज, 6250 डिवाइड बाय 30 अप्रोक्सीमेटली 208.33 इंटू 45 9375 3200 प्लस 9375 इतना आपका रीऑर्डर लेवल होगा 12,500। सर ये थोड़ा ट्रिकी हो गया। एवरेज कंजम्पशन मान लो, हमें आइसक्रीम वाला एग्जांपल याद है आपको, पवन का जो हमने लास्ट लेक्चर में लिया था कि एक दिन के अंदर आपके कितना आइसक्रीम जाता है, एवरेज कंजम्पशन कितना जाता है, ओके, और वो कितने दिन डिले होगा, उतना स्टॉक रखना है। तो एवरेज 45 डेज डिले होगा, एवरेज कंजम्पशन मंथली है। देखो इसकी जगह आप ईयरली लेते हो तो भी वही आंसर आएगा, 75,000 डिवाइड बाई 360 डेज, तो वही आंसर आएगा 7500 डिवाइड बाई 360 208.33। ओके, 365 है ना, बहुत रेयर सिचुएशन में हम लेते हैं जहाँ पे वो कुछ स्पेसिफिकली बोलता है, और ना होटल इंडस्ट्री में हम अज्यूम करते हैं 30 डेज, यहाँ पे भी हम जनरली 360 डेज अज्यूम करते हैं। ओके, आप 365 करोगे तो माइनर मैथमेटिकल डिफरेंस की वजह से इंस्टीट्यूट मार्क्स नहीं काटता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन अपना खत्म होता है। उसके बाद उसने पूछा, डिस्कस द प्रॉब्लम विद मोस्ट ऑफ द फर्म इज अटेम्प्टिंग अप्लाइंग इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी फॉर्मूला टू देयर इन्वेंटरी प्रॉब्लम। ये थियोरिटिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर उसका जो थर्ड पार्ट है वो थियोरिटिकल क्वेश्चन है कि व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ दिस ईओक्यू, ईओक्यू के लिमिटेशंस क्या है। डिस्कस द प्रॉब्लम देन मोस्ट ऑफ फर्म वुड अटेम्प्ट टू अप्लाई ईओक्यू। ओके, प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ, सिंपल प्रॉब्लम है सब, जो प्रैक्टिकल ही बहुत डिफिकल्ट है। तो वी अज्यूम ए रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ए रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ओके, वी अज्यूम ए रिमेन्स कॉन्स्टेंट which is technically difficult, क्यों, क्योंकि annual demand जो है वो तो बदलती रहती है ना, वो थोड़ी fix होती है, उससे ज्यादा भी goods मंगवा सकते हैं, कम भी मंगवा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, we assume carrying cost remains same throughout year, अपने ऐसा एज्यूम करते हैं कि कैरिंग कॉस्ट सेम रहेगा थ्रू आउट एरिया, विच इज अगेन रॉ एजम्पशन, विच इज प्रैक्टिकली डिफिकल्ट। सर क्यों, पेट्रोल डीजल के रेट में चेंज होता है ना, तो ये इंडस्ट्री वाले तुरंत ही रेट चेंज कर देते हैं। डीजल का रेट बढ़ता है तो दूध के अंदर रेट नहीं बढ़ जाता, ये सीधा कनेक्शन होता है कैरिंग कॉस्ट का। तीसरा, ऑर्डरिंग कॉस्ट is also never constant throughout year, यानी technically कोई भी चीज ये chapter की assumption है ना, बहुत rigid assumptions, ऐसा होता नहीं। चौथा, EOQ not possible all times, we may need to order things together in case of seasonal products। जैसे मान लो हम ऐसा मानते हैं कि भाई आपकी माजा की फैक्ट्री है, तो क्या करेंगे कि यार एक साथ आम नहीं मंगवाते, हर महीने आम मंगाएंगे, हर महीने इतने का ऑर्डर देंगे, तो क्या बहुत आम संभालने नहीं पड़ेंगे, ऐसा है वैसा है। तो भाई आम हर महीने थोड़े आते हैं, वो तो उसके सीजन में ही आएगा, तो उसी टाइम आपको सब बाई कर लेना पड़ेगा, उसी टाइम आपको स्टॉक ऑर्डरिंग कर लेना पड़ेगा, उसी टाइम उसमें से आपको एसेंस बना लेने पड़ेंगे थ्रू आउट ईयर के लिए। तो यू कैन नॉट गो विद दिस कॉन्सेप्ट एवरी टाइम, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी इंडस्ट्री होगी जो सीजनल प्रोडक्ट होगी, तो आप बोलते हो एक साथ प्रोडक्ट नहीं लेना है, हम हर महीने लेंगे, तो प्रैक्टिकली डिफिकल्ट। ओके, तो ये सब इसके लिमिटेशंस हैं।
तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 14 खत्म होता है, राइट। चलो मैं स्क्रीन पे रख रहा हूँ, आप लोग लिख लो। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन एक तो है, मैं चेक कर लेता हूँ बाहर कैसे चला गया लेक्चर। डेज इन ईयर एवरेज कॉस्ट पर यूनिट मल्टीपल और नॉट, क्वेश्चन अक्सई का समझ में नहीं आता। स्प्रुआ का क्वेश्चन है सर, लिमिटेशन ऑफ ईओ क्यू, लेट वी अज्यूम हाफ ऑफ ईओ क्यू इज इंस्टॉल, यस वो भी लिमिटेशन ही, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग अजम्पशन, वो लिख सकते हो आप लोग। वी ऑलवेज अज्यूम 50% स्टॉक विथ अस इज ऑल्सो रिजिड अजम्पशन। एक्चुअली ये 50% है ना एकेडेमिक पर्पज से है, रियल लाइफ में जो कंपनी होती है ना फूड इंडस्ट्री में वो 50% नहीं करती, वो अपने एंड से करती है, लेकिन एकेडेमिकली लिमिटेशन तो हुआ ही। चलो हो गया ऊपर का पार्ट, ये ईओ क्यू वाला लिख लो फटाफट।
ओके लिख लिया आपने, अब स्क्रीन आगे ले जा रहा हूँ लिमिटेशन के लिए, या ऐसा हो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना एक, फिर ये लिमिटेशन ऑफ ईओक्यू ये पढ़ रहा हूँ, अगर हैंडराइटिंग विजिबल नहीं है तो वी अज्यूम ए मीन्स एनुअल डिमांड रिमेन्स कॉन्स्टेंट इज टेक्निकली डिफिकल्ट, वी अज्यूम कैरिंग कॉस्ट रिमेन्स सेम थ्रू आउट द ईयर विच इज प्रैक्टिकली डिफिकल्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ऑल्सो नेवर कॉन्स्टेंट थ्रू आउट ईयर, ईओक्यू नॉट पॉसिबल ऑल टाइम्स, वी मे नीड टू ऑर्डर थिंग्स टूगेदर इन केस ऑफ सीजनल प्रोडक्ट, यानी हर महीने नहीं मांग सकते, वी कैन वी ऑलवेज टेक 50% स्टॉक विथ अस, ओके इज ऑलवेज रिजिड अजम्पशन, ये भी थोड़ा रिजिड अजम्पशन ही है, ऐसा जनरली नहीं होता। अब एक ऐसा क्वेश्चन है जो मॉड्यूल में से लिया है, सिमिलर पैटर्न, एक क्वेश्चन नंबर 8 किया है, आप में से कोई बता सकता है तो 8 इज डन, यस स्टूडेंट्स, इट इज डन, ओके चलो 9 बाकी होगा, 9 इज एबीसी बेस्ड, 9 क्वेश्चन, नाइन आई एम जस्ट गेटिंग यू, यू कैन रिफर फ्रॉम मॉड्यूल। सर क्यों ये आज तक अभी पूछा नहीं है, इट्स नेवर आस्क्ड, सर क्यों नहीं पूछा है, क्योंकि ये अजम्पशन बेस्ड है। सर तो अजम्पशन में क्या प्रॉब्लम है, ये एक अजम्पशन है कि सबका अलग अलग अजम्पशन होगा, यानी यहाँ पे ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि एवरी स्टूडेंट हैव डिफरेंट अजम्पशन। ओके तो क्या करते हैं, ये एक एबीसी करके टूल है, नॉट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, हाँ ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग नहीं है, एबीसी यानी क्या, सिलेक्टिव प्लान कंट्रोल है, कि भाई ए जो है वो महंगा है लेकिन क्वांटिटी कम है, थोड़ा लिख लेते हैं। ओके एबीसी कॉन्सेप्ट क्या है, ये ए जो प्रोडक्ट है इट इज वेरी कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ प्राइस, लेकिन क्वांटिटी में क्या होता है वो लेस होती है, सी जो होता है ना उसकी कॉस्ट बहुत कम होती है लो, लेकिन इसकी क्वांटिटी जो होती है ना बहुत ज़्यादा होती है, और बी जो होती है वो एवरेज प्राइस होती है और रीजनेबल क्वांटिटी होती है। यानी आपको टेक्निकली ध्यान किस पे ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि ए पे, क्यों, क्योंकि ये बहुत महंगी चीज़ है और उसकी क्वांटिटी भी क्या है कम। जैसे मान लो आप कहीं पे ऑडिट करने गए, मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट आपने ऑडिट में सुना होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में सुना होगा, आप एक जगह पे गए और आपको पता चला कि भाई वहाँ पे कोई पर्टिकुलर एक्स प्रोडक्ट थी उसके 40 पीसेस मिसिंग थे, ओके और वाई प्रोडक्ट का सिर्फ 2 पीस मिसिंग थे, तो हमें टेक्निकली क्या लगता है कि सर 40 वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टेक्निकली, लेकिन हमें क्या पूछना चाहिए उसकी प्राइस क्या थी। ये मान लो 1 रुपये की प्रोडक्ट थी तो आपका कितने का लॉस होगा, 40 रुपीज़ का, लेकिन ये मान लो इंजन था 1.5 लाख का तो 2 पीस गायब थे यानी 3 लाख का लॉस होगा। तो होता क्या है कि आप क्वांटिटी पे फोकस मत करो, आप किस पे फोकस करो, प्राइस पे। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एबीसी। तो एबीसी क्या करता है, ए कैटेगरी बी कैटेगरी और सी कैटेगरी में कौन सी प्रोडक्ट आएगी वो आप डिसाइड करो, आप यानी स्टूडेंट, तो सब अपनी अपनी तरह से सिलेक्ट करेंगे तो आंसर अलग हो जाएगा। सर कैसे अलग हो जाएगा, चलो देखते हैं, यही क्वेश्चन मॉड्यूल के अंदर, मॉड्यूल कभी कर लेते ना बीच में, फिर रह जाएगा, और मेरे में रिकॉर्ड आ गया है पता है ना, चीज आधी आधी छोड़ देने का, ये याद नहीं रहता, और आप लोग तुरंत बोलते नहीं हो, सब खत्म हो जाए उसके बाद बोलते हो ये चैप्टर बाकी था। मॉड्यूल का एग्जाम है, सेम लाइन, विल कवर इट, वो मॉड्यूल में पहले भी था पुराने में, इसीलिए मैंने रखा था, बाकी उसका रखने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके जैसा इलस्ट्रेशन अगर पूछ लेते हैं, स्टूडेंट्स ने कभी देखा नहीं तो इन एग्जाम दे विल मेक मिस्टेक। लिफो लिफो है, ये वाला सम हमने किया याद है ना आपको, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो याद है,
थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा कॉन्सेप्ट वही है। यहाँ पे आएगा एबीसी, ये रहा दिस। ओके, खाली शांति से देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल ड्रॉ एबीसी सिलेक्टिव कंट्रोल। क्वेश्चन कैसा होगा, आपके पास आइटम्स होगी, ध्यान से देखो, फिर आपके पास यूनिट्स होंगी यानी क्वांटिटी, फिर उसका यूनिट कॉस्ट होगा एक यूनिट का, यानी एक हमें अमाउंट का कॉलम ढूंढना पड़ेगा। जैसे ये 7000 है, एक यूनिट 5 रुपए की है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35000 का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 72000 का। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये क्वेश्चन है। अपना क्वेश्चन क्या था, सेम क्वेश्चन 7000। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्वांटिटी थोड़ी अलग होगी, पूरा कॉपी पेस्ट नहीं किया है, लेकिन आइटम 12, यूनिट्स है एंड यूनिट कॉस्ट है, सेम कॉन्सेप्ट। ओके, सो नो चेंज, सो यू कैन रिफर मॉड्यूल फॉर क्वेश्चन नंबर 9। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन खत्म हो जाता है इतना करके। अभी हमें क्या करना है एग्जाम के लिए, तो सबसे पहले तो आपको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देने का, फिर ये यूनिट का एक टोटल कर लेने का। ध्यान से देखो, यूनिट का टोटल करने का और अमाउंट का टोटल करने का। मैंने आपको जो थियरी समझाई उसमें मैंने आपको क्या समझाया, इफ यू हैव हर्ड थियरी केयरफुली, एक मुझे क्वांटिटी का फोकस चाहिए और प्राइस का चाहिए, और इंपॉर्टेंस मैं प्राइस को दूंगा, क्वांटिटी को नहीं। तो ये पूरा क्वेश्चन हो गया। अब देखते जाओ क्विकली, या नंबर्स आ गए 1 to 12, बाजू में उसका यूनिट्स आ गया, और फिर परसेंटेज ऑफ यूनिट्स का कॉलम हमने फाइंड किया है। सर कैसे करेंगे परसेंटेज ऑफ यूनिट का कॉलम, तो पहले ये यूनिट्स का टोटल कर दिया 219। कैलसी है ना आपके पास, ध्यान से देखो 219 कैलसी आप अपने पास रखो, 219 है। फिर आपको क्या करना है, ये जो 7000 है ये डिवाइड बाई टोटल क्वांटिटी 219 इंटू 100, तो आपको उसके परसेंटेज मिल जाए 3.1963। ठीक है, फिर इसको ढूंढने जाएंगे तो क्या होगा, 24000 क्वांटिटी डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी कितना था 219 इंटू 100, तो इसके परसेंटेज आ जाएंगे 10.9589। आर यू गेटिंग इट और नॉट, चलो आप लोग देख लो कुछ अगर आपको कंफ्यूजन है तो। तीसरा चौथा देख लो, क्या करना है आपको, टोटल क्वांटिटी जो है उसे डिवाइड करना है 219, इज इट ओके। तो चलो बोलो, 1500 डिवाइड बाई 219 इंटू 100, फिर 600 डिवाइड बाई 219000 इंटू 100 एंड यू विल गेट आंसर। चेक कर लो पहले, वरना बताओ कुछ डाउट है तो। परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट्स, यूनिट्स का टोटल किया देन डिवाइड। थैंक यू भाई, हैप्पी बर्थडे विशेस के लिए, थैंक यू श्रुति, थैंक यू रिजवान, भी सब बोल दो एक बार बारी बारी। इज इट ओके, ध्यान से देखो, तो यूनिट और यूनिट कॉस्ट होगा, और हमें आंसर में क्या करना है, एक यूनिट्स ढूंढने हैं, उसमें बाजू में उसके परसेंटेज ढूंढने हैं। कैसे ढूंढेंगे परसेंटेज, यूनिट का टोटल करो 219, फिर नंबर वन के बाजू में 7000 डिवाइड बाई 219 इंटू 100 करके परसेंट ढूंढो, ऐसे हर एक के परसेंट ढूंढने हैं। फिर यूनिट कॉस्ट, फिर यूनिट के साथ यूनिट कॉस्ट मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कॉस्ट आएगा, फिर टोटल कॉस्ट का टोटल करो दैट इज 355, 35000 डिवाइड बाई 355 770 इंटू 100 करके आप आंसर करो, इज इट ओके। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज वैल्यू। फिर आपको रैंक देना है, रैंक के लिए बेस क्या होगा आपका, वैल्यू, वैल्यू आपका रैंक के लिए बेस होगा, ठीक ओके। और फिर फाइनल आंसर में आपको अजम्पशन करना है कि भाई 50000 से ज्यादा वाले को मैं ए कैटेगरी में रख रहा हूँ, 15 से 50 के बीच में मैं बी कैटेगरी में रख रहा हूँ, और 15 से नीचे वाले सी। अब देखो मैं क्या बोल रहा था, जैसे ये बी कैटेगरी में एग्जैक्ट 15000 उन्होंने बी में ले लिया, आप सी में भी ले सकते थे, यानी होगा क्या, ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और ए बी सी हम अपनी मर्जी से रख रहे हैं, इसीलिए स्टूडेंट एंगल से ना ये हमेशा टेक्निकल होगा, इसलिए जनरली इंस्टीट्यूट अवॉइड करती है क्वेश्चन, लेकिन मॉड्यूल में है
इसीलिए फिर मैंने सोचा कि एक बार कर लेते हैं। इज इट ओके? इसमें किसी को डाउट्स है डियर फ्रेंड्स? है तो बोलो, नहीं है तो लिखो नो डाउट्स। अक्षय का डाउट्स मैं देखता हूँ, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा। अक्षय तुम्हारा क्वेश्चन फिर भी ऐसा हो तो वॉइस मैसेज रखना व्हाट्सएप पे। इज इट ओके? इसमें किसी को कुछ डाउट है डियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 9 ये नहीं पूछेंगे लेकिन आना चाहिए हमें। इज इट ओके? तो फिर इसमें क्या बचा? क्वेश्चन नंबर 15 एक ही बचा है ना, ये आपके हिसाब से एक बचा है। लेकिन सुनो, मुझे ना इसमें से आपको एक दो और सम कराने हैं प्रोबेबिलिटी बेस्ड। मॉड्यूल के अंदर है ना एक सम नया डाला है उन्होंने, वो मुझे आप लोगों को करवाना है। वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, दैट इज लिटिल ऑड सम। वो नेक्स्ट लेक्चर में, कल हम मोस्टली कर लेंगे वो। ओके, तो टुमारो वी विल डू दैट। और ये फीफो लिफो के छोटे बड़े सम भी अपने को देखने को देखे। फीफो लिफो इज फाइन एट यूर लेवल, दे आर नॉट आस्किंग, लेकिन मैंने बताया था मॉड्यूल में है इसीलिए। देखो कल कोई डाउट में पूछ रहा था ना सिंपल एवरेज, तो मैंने पूछा था ना एवरेज प्राइस होता है ना, तो क्या होता है वो प्राइस को ही एवरेज लेते हैं देखो। लेकिन वेटेड एवरेज के अंदर प्राइस नहीं लेते हैं, हम वेट को भी लेते हैं। ओके, सो दैट इज डिफरेंट। जैसे मान लो ये वेटेड एवरेज है, वेटेड एवरेज, तो वेटेड एवरेज में क्या होगा, क्वांटिटी होगी, ये इन्वेस्टमेंट है, ऊपर इन्वेस्टमेंट आएगा नीचे क्वांटिटी आती। इज इट ओके? ये बहुत ज्यादा दी है आप लोगों के मॉड्यूल में, पूछते नहीं है उतनी, लेकिन तो भी इंपॉर्टेंट चीज एक बार देखनी पड़ेगी। थियरी का अलग से लेक्चर ही रखेंगे, 4-5 चैप्टर एक साथ। इलस्ट्रेशन इसके हम सब करेंगे कल, यानी देखो मॉड्यूल का सब सम करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू लीव एनी सम्स ऑफ मॉड्यूल। ये इसके अंदर हमारा एक सम बाकी रहा 15। इज इट ओके? एंड टुमारो वी विल फिनिश अप मॉड्यूल ऑल इलस्ट्रेशन एंड देन वी विल जंप टू अनदर चैप्टर। अगर कोई पेंडिंग है तो उसे पहले लेंगे, फिर देन वी विल स्टार्ट विद न्यू चैप्टर। ओके, अपने मटेरियल में जो पीछे है वो यही है। मैंने इसके पीछे जो आपको इलस्ट्रेशन दिए है ना डियर स्टूडेंट, ये वही वाले हैं, मॉड्यूल के ही हैं, खुद के नहीं है। जैसे ये पहला है ना केमिकल ए केमिकल बी, तो आप मॉड्यूल में जाओगे ना तो फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे आप जाओगे ना तो इसके ही इलस्ट्रेशन। तो व्हेन यू विल ओपन अप मॉड्यूल, और मॉड्यूल में आप देखोगे, देखो मैं एक बता देता हूँ आपको, सेटअप योर माइंड। जैसे ये इलस्ट्रेशन 1 है, तो ये वही है केमिकल ए केमिकल बी 1,00,000, 1,04,000। तो इसमें भी केमिकल ए केमिकल बी 1,01,000, तो दोनों सेम ही है बराबर। तो मेरा कैसा था कि भाई मेरा सम कराता हूँ, फिर मॉड्यूल का हम कवर कर ही लेंगे। सो वी आर गोइंग टू कवर मॉड्यूल, यानी ये इलस्ट्रेशन ही हम कल खत्म करेंगे, बट उसमें उतने सारे सम ज्यादा दिख नहीं रहे। मैं इस सम की बात कर रहा था, ये इलस्ट्रेशन 6 है ना, ये बहुत अच्छा सम है। इज इट ओके? चलो तो यहाँ पे इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं कल। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे फिजिकली, तब पार्टी कर लेंगे। ओके श्रुति, चलो तुम्हारे दोस्त लोग दिख नहीं रहे, सब लेक्चर अटेंड करो भाई सब। ओके चलो, बाय, टेक केयर।